हेलो एवरीवन, आई एम अक्षय एंड यू आर वाचिंग एजुकेट टीवी। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ जेसीईसी जो एग्रीकल्चर वाला एग्ज़ाम है उसमें क्वेश्चन किस तरह का आता है, किस तरह का पेपर जो ये आता है, टफ आता है या इजी आता है, तो इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखिएगा इस वीडियो को पूरा, तो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ जो इसका प्रीवियस ईयर पेपर है, क्योंकि उसी को देख के हम लोग एनालाइज कर सकते हैं कि किस तरह का पेपर आता है। तो उसको मैंने देखा, तो जैसे मैंने भी झारखंड कंबाइंड का एग्ज़ाम दिया था, तो झारखंड में जो भी एग्ज़ाम होते हैं वो उतना टफ लेवल के नहीं आते हैं क्वेश्चन उसमें। जैसे बोर्ड लेवल अगर आपने अच्छे तरह से अपने अगर प्रिपेयर कर रखा है तो ये एग्ज़ाम आपको ईजी लगेगा, बिकॉज 75% ऑफ द क्वेश्चन डायरेक्टली कम फ्रॉम दैट सिलेबस ओनली, ओके। एंड 25% जो रहते हैं थोड़ा बहुत टफ रहते हैं, ओके, और 75% डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड रहते हैं। तो अगर आपने 11.12 अच्छे से पढ़ रखा है तो यू विल फील इजी। तो इस वीडियो में आपको लिंक दे दूंगा पीडीएफ का, जो कि 2017 का हमको मेरे पास है। तो 2017 का जो एग्ज़ाम है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो, चारों के लिए मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख सकते हैं। और अगर आपको कोई सॉल्यूशन चाहिए कोई फिजिक्स का या फिर केमिस्ट्री का या मैथ का, नॉट फॉर बायो बिकॉज आई एम इंजीनियरिंग स्टूडेंट, सो अगर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क। तो इस वीडियो में हमको इतना ही बताना था कि जो पीडीएफ लिंक है वो आप डाउनलोड कर लीजिए और देखिए किस तरह का क्वेश्चंस आते हैं, ओके। तो अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए कोई भी सब्जेक्ट का तो आप कमेंट में बताएं हमको, तो मैं डेफिनेटली एक वीडियो उसके ऊपर बनाऊंगा, क्योंकि वो जो वीडियो होगा वो लॉन्ग ड्यूरेशन का होगा, थोड़ा लंबा होगा वो वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक।